सक्रियता की वजह से पकड़ी थी, क्या कुछ है सर पूरा मामला और कहाँ ले जाया जा रहा था? वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इधर हाल में सूचना यह मिल रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रांची जिला के अफीम की खेती जो अब समाप्ति पर था, वहाँ से अब क्रूर अफीम लोग निकाल के अब मार्केट में बेचना शुरू कर दिए, और इसके व्यापारी सिर्फ झारखंड के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी आके इसको खरीदने में लगे हुए हैं। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में रांची ग्रामीण क्षेत्रों के कई पुलिस हमारे पदाधिकारी निकले हुए थे, जिसमें हमारे अजय जी डीएसपी साहब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू, हमारे एडिशनल एसपी एसएसबी के अजय कुमार वाजपेयी जी के नेतृत्व में एसएसबी की टीम 26 बटालियन की जी कंपनी उधर सुदूरवर्ती क्षेत्र तमाड़ में निकली हुई थी। जैसे सूचना पिन पॉइंट जब सूचना गया सीनियर एसपी को, तो उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया और मैंने बताया कि रायबरा के आसपास में एक बाइक पर दो लड़के आ रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास अफीम का अफीम हो। इसी सूचना सत्यापन में ये लोग लग गए हुए थे, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लगे हुए थे। जैसे वो लोग पार करने लगे रायबरा के आसपास में, तो पकड़ के उनको डिटेन किया, तो पता चला कि उनके बैग में वो काले रंग के अफीम जैसा पदार्थ उनको मिला। देखने से हम लोगों के पास में पहले से ये ड्रग टेस्टिंग किट उपलब्ध रहता, उसी के माध्यम से जब प्रभारी ने उनको चेक किया तो पाया कि हाँ वही चीज़ है प्रथम दृष्टि। इधर उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी होने के बाद सागर मुंडा और बिरसा मुंडा करके ये दो व्यक्ति डिटेन हुआ और डीएसपी साहब ने उनका आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इधर बीच में हमारे नगरी थाना क्षेत्र की भी टीम निकली हुई, तो सिसई भनों की तरफ से बस में बैठ के लोग आ रहे थे और थाना के आसपास में ही उन्होंने जब बैरिकेडिंग लगाया तो वहाँ भी बस जैसे पुलिस को दिखाए लोग तो धीरे से निकलने की कोशिश करने लगे उसमें से बस, तो उनको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद ये डब्बा में जो देख रहे हैं तो वहाँ से ये बरामद हुआ, उसमें भी ये अफीम ही है जो टेस्टिंग किट के माध्यम से हम लोगों ने चेक किया और इसमें करीब 4 kg अफीम। और इनके पास से दो लोग जो गिरफ्तार हुए, सरोज कुमार सिंह और मुकेश कुमार साहू की गिरफ्तारी, 4 लोगों की गिरफ्तारी, करीब 10 kg से ज़्यादा ही अफीम है। हमको ऐसा लगता है कि यह बड़ा खेप था जो कहीं ना कहीं इसको तस्करी करने के लिए लोग बाहर ले जा रहे थे, उसको हम लोगों ने जब्त करने में सफलता पाई। इसका मार्केट वैल्यू लोग बता रहे हैं 10 लाख रुपये से अधिक होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। कुछ एक इसमें जो बाहर की जो टीम आई हुई थी, जो यूपी और गुजरात वगैरह की जो टीमें आई हुई थी, वो कहीं ना कहीं अभी रांची में ही भ्रमणशील है, वो तलाश में लगे हुए हैं कि आखिर हमको खेप नहीं मिला, वो कहाँ रह गया, उसका मोबाइल नहीं लग रहा, उनके तलाश में हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उनको भी हम लोग इसके गिरफ्त में लाएंगे। सर ये किस इलाके से अफीम लाई जा रही थी? दोनों अलग अलग इलाके से? ये दोनों देखिए, आप जानते हैं कि हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो तमार बुंडू अर्की वाला एरिया है, तो ये तमार बुंडू वाला जो एरिया है, बुंडू तमार का जो इंटीरियर जो है, गोमती उमती वाला जो एरिया है ना, उसी में हमारी टीम निकली हुई थी। अपना सर्च ऑपरेशन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपना भ्रमणशील थी, सूचना का संकलन करके आवश्यक कार्रवाई में निकले। जब तक ये इन्फॉर्मेशन डेवलप हो गया दोनों ही पर्पज थे, वो वहाँ मिल गया। और ये तो हम लोगों को मिला है, जैसा ये बता रहा है कि हम लोग भरनो सिसई की तरफ से लेके आए, तो वो भी तो नक्सली क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, वहाँ से लोग ले आए। एक्चुअली इसकी खेती तो उसी सब एरिया में ही होती है ना, जैसा आप जानते हैं, तो वहाँ से आप लोग धीरे धीरे अब निकालना शुरू हो गया। ये टोटल अब उसका डोडा अब समाप्त हो गया, उसका प्लांट समाप्त हो गया है। तो पहले ये लोग अफीम के रूप में निकालते हैं, फिर इसको प्रोसेसिंग करके ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर के बाद फिर हीरोइन का शक्ल ये ले लेता और करोड़ों रुपये का इसका मार्केट में वैल्यू हो जाता आप समझ। लेकिन हम देखिएगा, अगर जानना चाहिएगा तो कितने मुश्किल से ये लोग इसको उपजाते हैं और रिस्क लेके सारा चीज़ ये लोग, इनको बहुत मामूली गए हैं जो लोग ये बताएं कि ग्रामीण लोग से हम लोगों ने खरीदा है, इनको बहुत मामूली पैसा देके ले। लेकिन कारोबारी जो है इसमें वो ऊंचे रकम कमाते हैं, जब ये अगर सक्सेसफुली अगर वहाँ चला गया जहाँ इसका प्रोसेसिंग होता है तो करोड़ों का माल है ये। इनका कमीशन कितना होता है? कमीशन का ये तो गाँव से लोग खरीद के लेके आ रही, ये जो बीच वाले आदमी है ना, ये तो खरीद के पहुँचाने वाले आदमी, इनके पास 10-20 हज़ार 50 हज़ार अगर इनको मिल रहा होगा दूसरी में खुश हो गई। सर ये कितनी मात्रा में होगा जो पड़ रहा है? ये तो अभी तो 10 kg है ना, अभी कितना है इस क्षेत्र में आना बड़ा मुश्किल है। कितना
यद्यपि आपको पता होगा कि विगत 4-3 महीना से यही हमारी टीम जो है एसएसबी वाली टीम हमारी, हमारे एसडीपीओ चाहे जो भी हमारे पदाधिकारी है, सब लोगों में ले, और यहाँ मीडिया के लोग भी गए हुए थे आपको याद होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसका विनष्टीकरण करने में, जहाँ के लोगों को जो अच्छा काम परफॉर्म जिसने किया था, हम तो उसको सम्मानित भी हम किए थे पिछले बार अपराध गोष्ठी में, हम लोगों ने किया था, अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी ये बचा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी भी देखा जाता है कि एक बार प्लांट को नष्ट कर दिया जाता है, फिर महीना भर में फिर उतना ही बड़ा प्लांट नजर आता है उसी क्षेत्र में। नहीं, वो नहीं होता वहाँ, तो जब एक बार नष्ट हो गया तो फिर जल्दी वो नहीं निकलता, कहीं कहीं दूसरी जगह, हाँ अलग अलग जगह, जहाँ हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया था विशेष शाखा के माध्यम से, सीआईडी विभाग के माध्यम से, हम लोग अपने सोर्स से उसको नष्ट तो किया है, अपने जान के किसी को हम लोगों ने छोड़ा नहीं, लेकिन जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाया और छुपा के लोग कर रहे होंगे तो फिर वहाँ तो मुश्किल था। स्वदेश वाणी।